ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੰਜਣ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो? और टाइम हो चुका है 7:38। वैसे तो 6 बजे उठ चुके थे लेकिन पड़े पड़े यहाँ पे निकाल दिया टाइम देखो। और भाई साहब ने रात को मैसेज करा था, भाई आ गया और मैसेज भी करा था भाई चाय ले आऊँ, चाय पी लो। थैंक यू भाई, थैंक यू। और यहाँ का स्टाफ पता नहीं कोई भूत भूत चुड़ैल जो गिरा एक नहीं दिख रहा। भाई साहब बेशक 1 मिनट पे लगाना हो प्रदीप भाई साहब को, लेकिन टाइम अभी 3 मिनट वाला ही लगा रहे हैं। है तो चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं और फिर चलते हैं सीधा कुफरी। तो बस खा के निकल लेते भाई अपना, एक और आया लाडला। बाइक को लगी भूख तो फ्यूल करवा लेते हैं टॉप अप। और जाने दो फुल नासा ही भर दो इसकी, नहीं होगा ना सांस नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ हुआ बहुत ही ज्यादा लॉस, प्रदीप की बाइक ने 20 रुपए का तेल ज्यादा पिया। नारकंडा 54 कुफरी 7 और रामपुर 120 राइट साइड में आना ऊपर से। राजा का बेटा व्लॉगिंग कर रहा है। राजा का बेटा छतरी वाला है। वाह वाह वाह, एंटी को नहीं बड़ी नहीं तो इतना बता रहे। दे दिया इंडिकेटर, दे दिया रे, काट ले काट ले काट ले काट ले। हाँ सही है थोड़ा। जय श्री राम, भगवान तेरे बालक ला रहे, बढ़िया बढ़िया। फौज में पलश में है उड़ते। जब भी फ्यूल फुल कराओ ना इसको स्ट्रेट रखा करो, जब भी फ्यूल फुल कराओ ना स्ट्रेट रखा करो, इसमें लीकेज है। कोई नहीं, ध्यान रखना आगे से। भाई ने फ्यूल करा के और साइड में खड़ी कर दी। मैंने बोला भाई किसके, ने बोला क्या हो गया, सोच रहा है क्या हटाने को बोल रहा है। वहां भाई फ्यूल निकल गया, फ्यूल फिर भागा आया। हाँ कोई नहीं यार, हमें तो हमारा तो फर्ज है यार किसी का नुकसान हो रहा हो तो बताने का। लाल कुफरी रह गया यहाँ से 6 किलोमीटर और ब्लैक आइस नहीं है, उसका मुझे बहुत खेद है क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचर हो ना यार तो मज़ा आता है, देखने में वीडियो और बनाने में भी वीडियो मज़ा आता है। क्या करें अब, देखते हैं। वैसे 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था नारकंडा, तो कह रहे हैं रोड साइड स्नो नहीं है, मतलब रोड पे वो नहीं है ब्लैक आइस, बट साइडों में है। चलो देखते हैं कैसा रहता है। सो फाइनली पहुंच गए हम कुफरी और तो काली पड़ चुकी है पूरी बर्फ और ऊपर थोड़ी सी साफ है, ये तो ब्लैक मतलब पूरी मतलब कहते हैं ना मैली हो चुकी है। तो आगे चलते हैं देखते हैं कैसी बर्फ मिलेगी, फिलहाल तो काली है। पिछली बार जब आया था मैं बिल्कुल फ्रेश बर्फ थी, लेकिन हमारे एक राइडर बाइक गिर गए थे और यहाँ पे मैंने बाइक खड़ी करी थी अपनी, फ्रेश एयर मतलब फ्रेश एयर कह रहा हूँ, बर्फ़ पे एयर फ्रेश आ रही है ना इसलिए एयर फ्रेश मुंह से निकल रहा है। सामने थोड़ी और ज़्यादा बर्फ़ है, सामने देखो नारकंडा में 2 दिन पहले गिरी थी, आई थिंक हो सकता है साफ बर्फ़ मिल जाए।
तो यहाँ से लेंगे हम जूते चप्पल, एक दूसरे को रात को मारेंगे। आंटी डर गई मेरे से अभी, आई एम सॉरी आंटी। सो रात को चप्पलों की कमी थी बिकॉज मैंने बहुत मारनी थी इसके चप्पल। तो चप्पल लीजिए, चप्पली चप्पली। तो भाई फिलहाल पहुँचे नारकंडा और एक लाटरी सी खुल गई। मतलब लाटरी खर्चे से नहीं डर रहे यार, लेकिन अब यहाँ पे इसका सामान नहीं मिला, बिल्कुल एक तार पे अटकी हुई है, क्लच वायर गई और सामने ये नज़ारा है, बिल्कुल फ्रेश नो है, ऊपर मैली नहीं है। तो फिलहाल खाना आ गया, खाना खाते हैं। और क्या मंगाया भाई? मिक्स वेज और दाल। टेंशन खत्म। दो तीन वायर ले ले ताकि टूट वूट जाए तो दोबारा से लगा ले। तो इन चीज़ों से वैसे भी नहीं डर रहे थे हम, बाकी भाई साहब मिल गए थे मकैनिक, मतलब वायर भी नहीं निकालनी पड़ी, वो निकाली और इसमें घुसा दी। ठीक है, दो तीन वायर ले लेना। तो फिलहाल थोड़ा हाँ मज़ा आ रहा है, पता नहीं, ये देखो बिल्कुल बढ़िया वाली स्नो, ज़्यादा पुरानी नहीं है, बढ़िया है। भाई साहब ने कैमरा ऑन किया व्लॉगिंग के लिए। आई नो बेबी, 10 साल बड़ी है लेकिन बेबी है। लेकिन रोड पे होती ना थोड़ी स्किट करती, डूंगे मुंगे मारती, तेरे लगते या मेरे डूंगे लगते मजा आता। तो ऐसे सिंपल सिंपल घूमने में मजा नहीं आ रहा ना। ओ बेटे थोड़ा सा तो आ रहा है मजा, ओ बेटे बस पूरा होना था कवर होना था, ये हल्की हल्की है। सो भाई लास्ट स्टॉप आ गया बर्फ़ का, मतलब यहाँ तक ही है स्टॉप, इसके बाद बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी और देन अब मिलेगी हमें आई थिंक ताबू के आसपास, ये लास्ट है। मतलब नारकंडा से उतरने के बाद बर्फ़ नहीं मिलेगी, पिछली बार तो बहुत दूर तक थी, मैं बता भी नहीं सकता, रास्ते में ओले भी पड़े थे जब हमने नारकंडा क्रॉस किया। इसके ऊपर तो पता नहीं क्या है, लेकिन थोड़ा सा मन करा घूमने का क्योंकि एडवेंचर तो मिला नहीं, ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी स्किट वाली है, मेरी लाइन पे आइयो। ओके स्किट कर रही है, स्किट चिकनी मिट्टी है। हाँ तो यहीं से वापिस आओगे और आगे कट जाओगे। ये लग गए इंजन अड़का है, ABS बचा गया था ना, न कुकर होया बच गया छोरा मेरा चांद। यहाँ से पू है 180, जाकरी है कितना 40 था पिछले बार ना, मैंने यहाँ पे भी ड्रोन शॉट लिया था लेफ्ट साइड में, तेरे को नदी दिख रही है, इधर लिया था ड्रोन शॉट। थोड़ा सा बेवकूफी करने। गड्ढा का पता भाई साहब, सबसे स्प्रिंग टाइट करे ना, अब गड्ढों का पता भी नहीं लग रहा कहाँ जा रहे हैं पत्थर। हाँ रानी में कड़ जाऊं। एंड दी एंड आ गया। केड़ा हमारे दिमाग में थोड़ा सा।
गिर मत जाइयो। सो लोकेशन बहुत अच्छी मिली और अभी ले लेते हैं यहाँ पर ड्रोन शॉट, और ड्रोन शॉट के बाद मिलते हैं, बताना कैसा लगा। सो चलो भाई ड्रोन शॉट बताना कैसे लगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। जस्ट रामपुर क्रॉस करके एक पेट्रोल पंप आया, यहाँ पे रुके हैं, और उसके बाद मेरे को जो लोकेशन ढूंढनी है वो थी, जब मैं पिछली बार स्पीति आया था तो एक होटल था उसके पास में ही वॉशिंग सेंटर था, तो बस वही ढूंढ रहा हूँ, देखते कितने आगे मिलेगा। रूम अवेलेबल है? सो भाई पहुँच गए महेश होटल, और ये ना रामपुर से थोड़ा सा आगे चल के, और ये देखो भाई साहब पैनियर में लगा हुआ फिर से एक नेट वाला, ये भी एक नेट वाला आज, लेकिन जबरदस्ती एक और लगा रखा था। तो हम विनर रहते हर बार, लगाने में भी और उतारने में भी। तो कैसा लगा बाबूजी रूम? बहुत बढ़िया है ना, शानदार। कल के मुकाबले जमीन और आसमान का फर्क है। कल तो धोखा हो गया, कल धोखा हो गया। मोबाइल कह रहा ये कैसे हो सकता है यार, तुम्हारे साथ धोखा कैसे हो सकता है। तो ये रहा वही माउंटेन जो मैं पिछली बार वीडियो में दिखा रहा था। क्या बात है, यहाँ पे बहुत सारा बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, ये दोनों चुप नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। ये आ गई भाई हमारी गर्मा गर्म कॉफी चाय, थैंक यू भाई। वो देखो तो फिलहाल यहाँ बैठ के हम पियेंगे कॉफ़ी के, एंजॉय लेंगे। देखो उठाने की कोशिश कर रहा था, शायद गिर जाते इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे करेंगे हम, शायद इंटरनेट मिल जाए हमें, कह रहे इंटरनेट सही चलता है, बाकी देखते हैं। होम के नाम से आया हुआ है, कनेक्ट कर लेते हैं। और ये वीडियो मैंने कल ही एडिट कर दी थी, लेकिन नेट ना होने की वजह से क्या कर सकता है बंदा, बताओ क्या कर सकता है। वैसे मैं कोशिश करूँगा ये अपलोड करके, एक एडिट करके। फिलहाल यहाँ भाई साहब चेक कर रहे हैं अपने GoPro की फाइल्स, और ऊपर दिखाता हूँ आपको बहुत ही ख़तरनाक नज़ारा। ये देखो अभी फ़िलहाल जब हम वॉशिंग के लिए जा रहे थे तो ऑलमोस्ट बारिश होने वाली थी और दो चार छिट्टे लगे ऊपर, और इसी दौरान लग रहा है कि स्नोफॉल होगा। तो मैं चाहता हूँ बहुत सारा हो जाए, क्योंकि यार मज़ा नहीं आ रहा, सच में मज़ा नहीं आ रहा। सूखी सूखी रोड पे चलाने का मज़ा नहीं आ रहा, एक बार दो चार बार बाइक एक बार इधर इधर घूमे ना तब तो मज़ा आ गया। एडवेंचर स्टार्ट होना चाहिए यार, इतनी देर हो गई एडवेंचर क्यों नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब बस मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, ना खाना दिखा रहा ना कुछ दिखा रहा, बिकॉज हमें छोटी छोटी वीडियोज़ बनानी है और जल्दी जल्दी एडिट करके साथ के साथ अपलोड करनी, ताकि आप लोग वीडियोज़ का डेली की डेली इन्जॉय कर सको। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। रोहित तकाले बाय बाय। हाँ जी सर, बाय 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 बाय।